में आपको सीधा लिए चलते हैं हनुमानगढ़, जहां जेपी नड्डा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सतीश पुनिया जी, हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता और हमारे वरिष्ठ साथी श्री राजेंद्र जी राठौर जी, हमारी प्रभारी और लंबे समय से संगठन का काम कर रही ऐसी हमारी बहन श्रीमती विजय राहटकर जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सरदार अजय पाल सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार में सरदार सुरेंद्र पाल सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता सरदार गुरजंट सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह चापिनी जी, हमारे बलबीर दूसरा जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, हमारे निहाल चंद जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और सांसद और मेरे वरिष्ठ साथी बलबीर विश्नोई जी जिला अध्यक्ष, हमारे आत्माराम जी, हमारे राम प्रताप जी, धर्मेंद्र जी, संतोष बाबरी जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे किसान भाई, हमारे अपने हनुमानगढ़ के और आसपास से आए हुए सभी सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और मेरे युवा साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे हनुमानगढ़ आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोगों ने जो प्रेम दिखाया है, जो आप लोगों ने मुझसे मिलने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र जी को, विजय जी को, हमारे अजय पाल जी को और सभी हमारे विधायकगण जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र किया और जगह छोटी पड़ गई है लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे से पूर्व हमारे राजेंद्र जी ने भी और सतीश जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं और उन्होंने आपको सब चीजों को बड़े विस्तृत रूप में राजनीतिक तरीके से उन सारी बातों को रखा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मित्रों, यह किसान संगत है लेकिन किसान संगत के साथ साथ यह राजनीतिक मंच है और किसान जो देश का अन्नदाता है उसके साथ किस तरीके से लंबे समय तक छल हुआ है वह भी हम सबको काम है और इसलिए राजनीतिक मंच से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जिन कामों को किया है वह मैं जरूर किसान भाइयों से चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक बहुत से लोग अपने आप को किसान नेता स्थापित करने में लगे और उन्होंने हमेशा किसान की बात की और अपने आप को स्वयं को उस किसान ने बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई लेकिन किसान की धरती पर तकलीफ को समझने वाले और धरती पर परिवर्तन लाने वाले सही मायने में किसी ने काम किया तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह मैं कहूंगा।
और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर बारीकियों में जाकर के किसान की तकलीफ को समझ करके काम करना, इसको अगर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री। मैं अगर बात करूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो योजना तो पहले भी थी लेकिन किसानों को क्या मिलता, किसानों को इंश्योरेंस कंपनी से धोखा मिला, किसानों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन किसानों की धरती पर समस्याओं को समझ करके उसका जवाब देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं ये कह सकता हूं कि 1,20,00,000 किसानों का जो केस था उसको सेटल करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज जिस किसान सम्मान निधि की हम बात कर रहे हैं, आपको मालूम है किसान सम्मान निधि की आंकड़े क्या है? किसान सम्मान निधि में 11,78,00,000 किसान जुड़े हैं, 11,78,00,000, और उसमें से 77,00,000 किसान हमारे राजस्थान के हैं, गंगानगर के हैं, हमारे हनुमानगढ़ के, और परिवर्तन क्या होता है उसको भी समझ। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे आप तक पहुंचते, और आज प्रधानमंत्री जी 11,78,00,000 किसानों को एक बटन दबाते हैं तो 25,000 करोड़ रुपए, 2,000 रुपए 11,78,00,000 किसान के खाते में 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है उसके खाते में। और अभी तक जो 12 किस्तें दी गई हैं और 12 किस्तों में 2,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाया गया, 2,20,000 करोड़, यानी 2,00,000 करोड़ रुपए और 20,000 करोड़, ये किसान के खाते में 12 इंस्टॉलमेंट में पहुंचा। अब बताइए किस नेता ने इसका ऐसा काम किया, कौन सा ऐसा नेता है जो अपने आप को किसान नेता कहलाते होंगे और उन्होंने प्रधानमंत्री ने किसी ने भी किसान के सम्मान की चिंता। अगर मैं बात करूं हमारे प्रधानमंत्री किसान मानदेय, कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? और मैं चाहूंगा कि हमारे 11,78,00,000 किसान जुड़े हैं, 11,78,00,000, और उसमें से 77,00,000 किसान हमारे राजस्थान के हैं, गंगानगर के हैं, हमारे हनुमानगढ़ के, और परिवर्तन क्या हो उसको भी समझिए। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे आप तक पहुंचते, और आज प्रधानमंत्री जी 11,78,00,000 किसानों को एक बटन दबाते हैं तो 5,000 करोड़ रुपए, 2,000 रुपए 11,78,00,000 किसान के खाते में 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है उसके खाते में। और अभी तक जो 12 किस्तें दी गई हैं और 12 किस्तों में 2,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाया गया है, 2,20,000 करोड़ रुपए, यानी 2 रुपए और 20,000 करोड़, ये किसान के खाते में 12 पहुंचाया गया। अब बताइए किस नेता ने इसका ऐसा काम किया है, कौन सा ऐसा नेता है जो अपने आप को किसान नेता कहलाते होंगे और उन्होंने प्रधान ने किसी ने भी किसान के सम्मान की चिंता की। अगर मैं बात करूं हमारे प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना, कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? और मैं चाहूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ के भी और गंगानगर के किसान
ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अपने जोड़ने का काम करें। और आपको जानकर के खुशी होगी 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं, आपके राजस्थान से 38,000 किसान जुड़ चुके हैं, लेकिन ये संख्या कम है। मैं तो कहूंगा कि कम से कम 10 लाख 15 लाख किसानों को जुड़ना चाहिए और उसके लिए योजना बनी है। और आपको मानधन मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी, कभी सोचा नहीं था। इस स्कीम को भी जानने की हमको जरूरत है। कभी हमने सोचा था यहाँ आदमी के स्वास्थ्य की चिंता थी, मिट्टी के स्वास्थ्य की क्या चिंता हो? ये सॉइल हेल्थ कार्ड आपकी मिट्टी क्या उपज कर सकती है और क्या उपज करना चाहिए, ये हेल्थ कार्ड देश में 93% मिट्टी की जांच की जाती है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर बात करूं प्रधानमंत्री हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो 93% लोगों को जमीन का जो सॉइल का हेल्थ है उसका उनको पूरे की पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है। क्या होता है जब अंधाता है और उजाला आ जाता है तो लोग अंधेरे को भूल जाते हैं। मैं हमेशा याद करता हूं, उजाले का मजा लेना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए यूरिया के लिए और फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? आप बताइए फर्टिलाइजर ब्लैक होता था कि नहीं होता था? और किसान परेशान होता था कि नहीं होता था? यूरिया आया आया आता पीछे था, जाता पहले था, मार्केट में आता ही नहीं था, लाती थी सरकार और बोलती थी एक बोरी ले जाओ, दो बोरी ले जाओ, जैसे एहसान कर रही हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया के लिए कोई और जगह इस्तेमाल ना हो, ब्लैक ना हो, नीम कोटेड यूरिया कर दिया। अब कोई ब्लैक नहीं होता, हमको यूरिया समय पर मिलता है, इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और तरीके से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और खास करके हनुमानगढ़ के किसानों को, 1,00,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने रखा है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO इसको बना करके आप अपने यहां कोल्ड स्टोरेज बनाइए, आप अपने यहां सब्जी मंडी को व्यवस्था को अच्छा कीजिए, आप उसको ई नाम से जोड़िए, टॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से उसको जोड़िए, और उसके साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप खर्च करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मैं चाहूं कि गंगानगर हनुमानगढ़ में कोई भी FPO बिना किसी आर्थिक मदद के ना रहे, इसके लिए आपको FPO की दृष्टि से अपने आप को जोड़ करके देखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा 2014 में एग्रीकल्चर का बजट 25,000 करोड़ था, 10,000 करोड़। आज एग्रीकल्चर का बजट मोदी जी के नेतृत्व में 25,000 करोड़ है, 4 गुना बढ़ा है, ये भी है 4 गुना बढ़ा। और उसी तरीके से अगर हम कहें सिंचाई योजना में, आप सब लोग तो खैर यहाँ सिंचित भूमि है, लेकिन आपके बहुत से किसान भाई जिनकी जमीन बंजर है, जिनको सिंचाई की व्यवस्था नहीं की, और इसलिए मंत्री जी ने 93,000 करोड़ रुपए मंत्री सिंचाई योजना के लिए रखा है, और उसके माध्यम से को चल रही है कि किस तरीके से हमारे किसानों की चिंता हो। हमारे मेगा पार्क 2014 में सिर्फ 2 मेगा करते थे, और उस मेगा पार्क के माध्यम से एग्रीकल्चर के दृष्टि से काम चलता था। आज मेगा पार्क बन चुके हैं, और राजस्थान में भी रूपनगढ़ में मेगा पार्क, अजमेर में वो उद्घाटन हो गया है, और श्री राम फूड पार्क बीकानेर वह भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन, वह भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 2 मेगा पार्क हमको राजस्थान को मिले। मैं ये सारे आंकड़े आपके सामने इसलिए रहूं क्योंकि किसानों के लिए जो काम हुआ है वो अभी हमको 1,000 इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर के माध्यम से 1,000 ई मंडी बनाई गई है, और 1,60,00,000 किसान अपने आप को रजिस्टर कराया है, और 14,00,000 हमारे राजस्थान के हैं जिन्होंने अपने आप को ई मंडी के साथ जोड़ दिया है। आज आपको
अपना सामान अपने खेत से दुनिया के किसी भी जगह बेच सकते हैं इस ई नाम के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। आपको जो ही जहां भी अच्छा रहेगा वह दाम में आप अपने अनाज को बेच सकते हैं, यह व्यवस्था की गई है। मैं आप किसानों से निवेदन करूंगा, पुरानी व्यवस्थाओं में विश्वास मत करो, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं। कंप्यूटर का जमाना आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मंडी की है, आपको आपके कंप्यूटर पे पता चल जाएगा कि आज चावल का दुनिया में कहां क्या है, आज गेहूं का दाम क्या है, और जहां आपको अच्छा लगे वहां आप अपने सामान को भेज सकोगे, यह व्यवस्था की जा रही है। और इसी दृष्टि से अगर हम कहें इस बार के बजट के दृष्टि से हमारे यहाँ एजुकेशन रिसर्च के लिए भी 1,25,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है, इसको भी 1,25,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है ताकि हम रिसर्च करें। और उसी तरीके से हमारी कोशिश है कि किसान भाइयों के लिए एक व्यवस्था के दृष्टि से हम काम करें और किसानों को मजबूती प्रदान करें, यह हमें जरूर आप सबसे चर्चा कर आपको बताना चाहता हूँ। यह आपके लाभ के लिए है, आप सोचिए। दूसरी बात आपसे करना चाहता हूँ, हमारे सिख भाइयों ने, गुरुओं ने जितना देश के लिए रक्षा के लिए योगदान किया है वो कदापि देश नहीं भुला सकता है, इस बात को भी हमको जानना। ध्यान में आता है कि किस तरीके से हमारे सिख गुरुओं ने हमको शिक्षा दी, हमारे ध्यान में आता है किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने शहादत दी, किस तरीके से गुरुओं ने शहादत देकर के इस देश को एक रखने का काम किया है। सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, इसको हम कभी भुला नहीं सकते, हमेशा हमको याद रहे। जो बोले सोनिया, जो बोले सोनिया। लेकिन यहां पर मैं ये भी बताना चाहता हूं, सिख भाइयों के साथ सभी राजनीतिक दलों ने हमेशा राजनीति की, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, सिवाय नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर। बातें अपने आप में देखने की है। अगर हम बात करें आपका विवाह कार्य की दृष्टि से, आपने कहा था कि आपके कानून में बदलाव आना चाहिए, बात छोटी थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ध्यान देकर के आपके विवाह कार्य के लिए उस दृष्टि से योजना बना करके उस काम को। अगर मैं बात करूं गुरु ग्रंथ साहब, हर मंदिर साहब पर लंगर पर टैक्स लगता, सामान पर टैक्स लगता था, प्रधानमंत्री जी ने लंगर के को छूट देते हुए जीएसटी और आईजीएसटी से छूट दिला करके और सालाना 325 करोड़ रुपए हरमन साहब के नाम पर खजाने में जमा करता था, काम हमारी सरकार। आप देखिए बात बड़े आपके ध्यान में नहीं आएगा, दुनिया भर में हमारे सिख भाई हैं, दुनिया भर में, और हमारे सिख संपन्न है, वो गुरु हरमंदिर साहब को चंदा देते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, वहां लंगर में अपना योगदान करना चाहते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट उन पर लागू होता कारण से उनको वो दिक्कत आती है, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन चेक करके हरमंदिर साहब को जो ग्लोबल संगत के थे उनको आर्थिक रूप से जो भी मदद करना चाहे देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने नियमों में छूट करके इसका कि हमारे भाई साहब चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा कर रहे थे कि हमारे करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना। अब ये भी देखिए आप सामने हमारा गुड़ा और हम दर्शन नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते। 4.1 किलोमीटर का कॉरिडोर बना करके प्रधानमंत्री और 500 करोड़ रुपए खर्च करके सुल्तानपुर हमारे जो अपने करतारपुर कॉरिडोर और वीजा फ्री ट्रैवल करने का, यानी कोई वीजा नहीं चाहिए, सीधे
आप करतारपुर कॉरिडोर से जाकर के आप दर्शन कर सकते, गुरुद्वारे में दर्शन कर सकते हो, इसकी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। अशोक